हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉसम जोन। आई होप आपको मेरा पिछला वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैंने इस वीडियो का थीम रखा है थ्रिलिंग ट्विंस। वी कम अक्रॉस मैनी वर्ड्स, मैनी वोकैबलरी जिनकी प्रोनंसिएशन सेम होती है, राइट? बट उन वर्ड्स को हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं, और अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से वाले वर्ड को हमें कहाँ यूज़ करना है। तो आज मैंने दो पेयर ऑफ वर्ड्स या दो सेट ऑफ वर्ड्स को लिया है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज वर्ड्स टुडे इन दिस वीडियो। माई फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड इज़ कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग का है, वो भी बहुत माइन्यूट सा। COMPLEMENT एंड COMPLIMENT। सो नाउ आई एम डिस्कस अबाउट द मीनिंग एंड द यूज ऑफ दैट वर्ड। द फर्स्ट वर्ड COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू मेक समथिंग एल्स सीम बेटर और मोर अट्रैक्टिव। किसी और चीज़ को और बेहतर और अट्रैक्टिव बनाने को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। व्हेन कंबाइनिंग विद इट, अगर हम उस चीज़ को किसी और चीज़ में मिक्स कर दें और उसकी सुंदरता और बढ़ जाए तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। टू मेक समथिंग एल्स सीम बेटर और मोर अट्रैक्टिव व्हेन कंबाइनिंग विद इट। द यूज़ ऑफ दिस वर्ड इज़ द पिंक स्कार्फ वुड कॉम्प्लीमेंट माई ड्रेस। यहाँ पर पिंक स्कार्फ एक दूसरी चीज़ है जो मेरी ड्रेस को और अट्रैक्टिव और बेटर बना देगी, इसलिए वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, राइट? नाउ द नेक्स्ट वर्ड COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट, एक्सप्रेसिंग प्रेज एंड एडमिरेशन, प्रशंसा करना, एडमायर करना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसका भी यूज मैंने दिया हुआ है, द टीचर कॉम्प्लीमेंटेड द स्टूडेंट्स फॉर देयर परफॉर्मेंस इन द क्लास टेस्ट। टीचर ने क्लास टेस्ट लिया क्लास में और परफॉर्मेंस की बेसिस पे स्टूडेंट्स को कॉम्प्लीमेंट किया, तारीफ की, प्रेज किया, राइट? सो द फर्स्ट वर्ड वॉज यूज कि किसी चीज को बेहतर बनाया, एंड द सेकेंड कॉम्प्लीमेंट इज यूज टू प्रेज समवन। तो आई होप नाउ ऑनवर्ड्स यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे यूज करना है। माई नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड इज एल्यूजन एंड इल्यूजन। दोनों अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एल्यूजन कहाँ यूज करना है और इल्यूजन कहाँ यूज करना है। एल्यूजन ALLUSION एल्यूजन, इसकी मीनिंग है पासिंग रेफरेंस और इनडायरेक्ट मेंशन, किसी की तरफ रेफर करना या इनडायरेक्टली मेंशन कर देना। फॉर एग्जांपल, इट वाज एन अल्यूजन टू 19th सेंचुरी मोड्स ऑफ नरेशन, यानी कि ये एक रेफरेंस था 19th सेंचुरी की तरह जो नरेशन किया जाता था उस तरीके का कुछ था, ठीक है। यहाँ पे रेफर कर रहे हैं हम 19th सेंचुरी को, तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड एल्यूजन। नाउ द नेक्स्ट इल्यूजन ILLUSION इल्यूजन, विच मीन्स समथिंग दैट मैनी पीपल बिलीव बट इज फॉल्स। इल्यूजन इज दैट पीपल बिलीव दैट इट इज ट्रू बट इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। एंड द यूज इज The artist used paint to create illusion of metal. Artist, कलाकार ऐसे होते हैं ना, they can bring you on their on your knees and can ask you to imagine anything and they can totally change the world, right? वो कुछ भी imagine करा सकते हैं आपको अपने art से। So यहाँ पर artist क्या कर रहा है, इस तरीके से painting कर रहा है वहाँ पर कि आपको वो चीज़ metal लगे, राइट? तो ये इल्यूजन है, वो मेटल है नहीं, बट द आर्टिस्ट इज क्रिएटिंग एन इल्यूजन कि वो मेटल लगे। सो टुडे आई हैव गिवन यू टू सेट ऑफ वर्ड्स जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप दिस इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू यू, और अगर ये आपको हेल्पफुल लगे
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.